तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल। उज्जवल टिप्स एंड ट्रिक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का वीडियो सभी के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप किसी भी नॉर्मल लाइट को भी, जो नॉर्मल लाइट होता है दोस्तों, ये सब जो लाइट होता है या कोई भी कितना ही बड़ा लाइट होता है ना, मतलब सिंगल जैसे लगा दिया मैंने और वो जल रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिखा देता हूँ, मैं जैसे ये लाइट है, ये जल रहा है ना, देख लो यहाँ पर जैसे ये जल रहा है ना, ये भी चेंज करेगा लाइट। जैसे आपका झालर लाइट होता है जो स्विचिंग वाला रहता है, वैसे ये काम करेगा, बहुत ही अच्छा काम करेगा दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पे है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखो और इसका लाभ उठाओ दोस्तों, क्योंकि वीडियो ये तो ख़राब है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कैसे क्या करना पड़ेगा, किसी भी नॉर्मल लाइट को आप, ठीक है, आप चेंज ओवर सब बना सकते हो। तो दोस्तों आप जो है सिंगल लाइट भी ले सकते हो, बट आपका डबल लाइट, जैसे हम दो गो लाइट लिया है, मैंने आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखो दोस्तों मैंने दो लाइट ले लिया है और ये काफ़ी सस्ता मिलता है, आपको पता है। तो चलिए इसी को हम जो है चेंज ओवर जैसा बना देते हैं। अब क्या करना है, ये इसमें सोल्डिंग करना है। तो सोल्डिंग क्या करेंगे दोस्तों, ये जान लो, ये सब जो तार होता है ये अल्मोनियम का तार होता है, तो इसमें सोल्डिंग नहीं पकड़ेगा, राइट। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, ये आप कोई भी कॉपर का वायर आपको लपेटना पड़ेगा। तो चलिए हम कॉपर का तार इसमें लपेट देते हैं, फिर सोल्डिंग कर देते हैं ताकि सोल्डिंग अच्छा से हो सके। अब क्या करना दोस्तों, ये देखो, चलिए ये कॉपर का तार हम मैंने लपेट दिया इसमें। अब क्या होगा दोस्तों, इसमें सोल्डिंग जो सही से होगा, इस ऐसे जो है दोस्तों सभी का करना है। तो ये देखो दोस्तों, मैंने कर लिया है सबका, आपको भी ऐसे ही करना है ताकि सोल्डिंग अच्छा से पकड़े होगा। अब क्या करना दोस्तों, कोई भी आजकल जो किट आया दोस्तों, ये जो किट आया है, कोई भी लाइट में, जो आजकल सभी लाइट में यही लगा हुआ रहता है, जैसे आपको बताता हूँ मैं, जैसे ये सब भी लाइट है ना, ये देखो दोस्तों, है ना, ये सब लाइट में यही सब किट रहता है, ये देखो, है ना, ये सभी किट मिलता है, रहता है, और मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। और कोई भी चेंजर वाला किट रहता है दोस्तों, इससे बड़ा भी आजकल जो आया है, मतलब पहले आता था बट आजकल तो यही आने लगा है, छोटा सा सभी, मतलब मैक्सिमम किट में, लाइट में जगह किट में जो है दोस्तों यही आता है। तो इसमें जो है क्या होता है, दो गो में तो एसी आता है, आपको पता है, ये देखो दिखाते हैं, दो में एसी आता है। तो चलिए दो में एसी जो है हम जोड़ देते हैं, ये देखिए, एक यहाँ आता है और एक यहाँ आता है, ये देखो दोस्तों ये मैंने जोड़ दिया है। तो अब क्या करना है, कोई भी लाइट का दोस्तों, जैसे ये दो लाइट है, तो एक लाइट का तार मैंने ये लिया, एक ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी ये दो ले लिया मैंने। अब क्या करना है, तो दोस्तों देखो, ये जो है एक कनेक्शन जो है, कोई भी चेंजर लाइट, चेंजर किट हो, उसका जो है डायरेक्ट एक कनेक्शन जो है डायरेक्ट आता है। तो दो गो है, दो में एक इसका कनेक्शन, एक इसका तार मैंने लेके इसमें जोड़ देता हूँ। मैं बताने के लिए मैं जोड़ रहा हूँ, ये देखो दोस्तों, ये मैंने जोड़ दिया है, है ना। अब क्या करना है, देखो ये एक कनेक्शन और ये तक कनेक्शन है, इसमें भी हम सोल्डिंग लगा लेते हैं ताकि सोल्डिंग करना होगा। तो ये देखो दोस्तों, इसका जो है, देखो इसका जो है, ये आईसी है, आईसी का जो है 1 2 3 4, इसमें चार तरह का जो, इसमें चार को कनेक्शन कर सकते हो, इसमें ऐसा ऐसा दो और लाइट भी आप जोड़ सकते हो। तो चलिए ये दो को में पहले सोल्डिंग क्या हुआ था, चलिए इसी में हम जो है ये सोल्डिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कनेक्शन कर दिया है, चलिए अब इसका जो है ये कनेक्शन कर दिया, अब ये मेन तार रहा इसका, और जो है अब इसका कनेक्शन जोड़ते हैं, ठीक है, कनेक्शन करते हैं और देखते हैं कि लाइट ये चेंज होता है या नहीं होता है। ये स्विच रहा, देखिए दोस्तों आपको दिख रहा है कुछ ऐसा, और यहाँ से आप चेंजिंग कीजिएगा तो चेंज भी होगा, ये देखो, तो दोस्तों आशा करते हैं आपका वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, धन्यवाद।